हाय गाइस, आज हम अपने जेट प्लांट की रिपोर्टिंग करेंगे। ये देखिए कितना छोटा सा पॉट है इसका, और ये कितना बड़ा गमला है इसका। और इसको हम नीचे से एक दो बार टैप करेंगे तो ये बाहर निकल आएगा। एक तो इसे संभालना ही इतना मुश्किल था, इतना बड़ा था ये, और मुझे ऐसे डर लग रहा था कहीं ये टूट ना जाए। तो ऐसे आप भी अच्छे से रिपोर्ट करने के लिए पूरा रूट के साथ निकाल सकते हैं अपना गमले से प्लांट को, जैसे मैंने निकाला है। और अब हम इसे दूसरे बड़े गमले में रिपोर्ट करेंगे। और ये देखिए, आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इसकी रूट्स हैं, और मैं खुद हैरान थी, इतना ज़्यादा रूट बाउंड हो चुका है ये प्लांट, और बड़ा भी नहीं हो पा रहा था इस वजह से और ज़्यादा। और ये हमने सॉइल कॉम्पोजिशन बनाना है अब इसका। सॉइल कॉम्पोजिशन में मैंने जो है 50-60% गार्डन सॉइल लिया है, और इसमें रिवर सैंड मैंने ऐड किया है, और ऐड किया है वर्मी कंपोस्ट और कोकोपीट। कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट शायद 20 या फिर 10-10 फ्रैक्शंस में होगा। और ऐसे मैंने इसकी रूट्स मैंने इसकी लूज़ नहीं की है, क्योंकि मैं नीचे से नई रूट्स भी बन रही थी, तो मैंने सोचा कि ये नई मिट्टी में वैसे ही ट्रांसफ़र हो जाएंगी खुद ही, जैसे ही इसको रूट्स को ये जो है मिट्टी मिलेगी, और इसलिए मैंने इसको ऐसे ही लगा दिया। देखते हैं अब इसकी न्यू रूट्स ग्रोथ से ये हमें पता चलेगा कि हमें नीचे से मिट्टी लूज़ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। वैसे ऐसे ही गार्डनिंग से हमें एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, जैसे मैं करते जाऊँगी काम, तब मुझे पता चलेगा। और मुझे लगता है कि डेली प्लांट्स के साथ रह के मुझे एक नई चीज़ पता चलती है कि अरे हाँ, ऐसा भी होता है। और मैं आपको बता दूँ, इस वीडियो को बनाने के लिए मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब तो मेहनत लग रही थी। मैं उठ के आ रही थी, फिर देख रही थी ये कैसे क्लिप आई है, और क्योंकि मैं दोबारा तो कर नहीं सकती हूँ प्लांट को, वो फिर से डिस्टर्ब निकाल के फिर नहीं लगा सकती हूँ। इसीलिए आपने देखा होगा पिछली वाली जो क्लिप है थोड़ी अंधेरी सी आई थी। और ये मैंने लगा दिया है इस पॉट में प्लांट को, थोड़ा बड़ा पॉट था ये। और अब जब ये थोड़ा अपने रूट्स एस्टेब्लिश कर लेगा इसमें, उसके बाद मैं जो है इसकी ट्रिमिंग करूँगी, और आप लोगों के साथ वो भी वीडियो शेयर करूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए बने रहिए मेरे साथ। और प्लीज़ कमेंट करके भी बता सकते हैं आपको कैसी लगी ये वीडियो। और ये लास्ट क्लिप जो है ये मैंने अभी बनाई है, और आप देख सकते हैं ये प्लांट कैसा लग रहा है। आपने इसमें वाटरिंग अच्छे से करनी है, उसके बाद इसे रख देना है 2 दिन के लिए।